नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के दरभंगा में हत्या कर दी गई है। मंगलवार यानी कि 16 जुलाई की सुबह घर से लाश बरामद की गई है। लाश मिलते ही हड़कंप मच गया है। दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने हत्या की पुष्टि की है। बताया जाता है कि जीतन सहनी की उम्र करीब 65 साल थी। आपको बता दें, दरभंगा के बिरोल अनुमंडल की अफजला पंचायत के सुपोल बाजार स्थित पैतृक घर में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। घर से जीतन सहनी का शव बरामद किया गया है। घटना के बाद काफी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची है। घटना के पीछे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। बता दें कि मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक हैं और मलाहों के बड़े नेता माने जाते हैं। अभी हाल ही में हुए लोकसभा के चुनाव में उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर कई सभाओं को संबोधित किया था। मुकेश सहनी की पार्टी ने बिहार की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव भी लड़ा था, हालांकि तीनों जगह पार्टी हार गई थी। आपको जानकारी के अनुसार बता दें कि इस वारदात की जो तस्वीरें आई हैं उसे दिखाया नहीं जा सकता है। शव को देखने से लगता है कि किसी धारदार चीर से वार किया गया है। इसके बाद मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी के पिता घर में अकेले ही रहते थे। उनके दोनों बेटे मुकेश सहनी और संतोष सहनी बाहर रहते हैं। एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है वो भी बाहर रहती है। आपको बता दें कि घटना के बाद सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की प्रतिक्रिया सामने आई है। जेडीयू के प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना होती है तो कार्यवाही की जाएगी, जो भी अपराधी होंगे वो पकड़े जाएंगे, उन्हें पाताल से भी खोज निकाला जाएगा। अब जेडीयू पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और राजद की तरफ से भी मुकेश सहनी को यहाँ पर संवेदना दी जा रही है, यहाँ पर उन्हें संभाला जा रहा है, क्योंकि अचानक उनके पिता की हत्या कर दी गई। इसके पीछे की वजह सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जल्द इस पूरे मामले की जांच होती हुई नजर आएगी और तमाम आरोपी पकड़े जाएंगे।